दिन निकल जाता है घर जाते आते अच्छा उजाला हो जाता है गुड मॉर्निंग अपनी गुड मॉर्निंग हो रही है हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग नमस्ते और मैं आ गई हूँ अपनी योगा क्लास से तो यहाँ पे आके मैं आई हूँ किचन में किचन में अभी मैं पीऊँगी गर्म पानी क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज करने के बाद आप गर्म पानी पियो तो आपके लिए अच्छा होता है तो यहाँ पे आज जो मैं गर्म पानी पी रही हूँ वो पी रही हूँ मेथी का मैंने रात एक चम्मच जो है मेथी भिगो के रखी थी उसी का जो पानी है वो मैं गर्म करके पीऊँगी और डेली डेली जो है मैं चेंज करके पीती हूँ डेली मेथी का नहीं पीती हूँ किसी दिन जीरे का किसी दिन मेथी का और किसी दिन धनिए का ऐसे पीती हूँ और जो आज मैंने मेथी भिगोई थी उसको मुझे जो है एक कपड़े में बांध के रख देना है क्योंकि अंकुरित हो जाएगी तो बाद में मैं इसको खाऊंगी फेंकूंगी बिल्कुल भी नहीं कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो भी यूज में हो सकती है वो चीज़ यूज कर लो जैसे जीरा भी यूज हो जाता है मेथी भी यूज हो जाती है धनिया भी मैं यूज़ कर लेती हूँ तो इसको मैं रख दूंगी साइड में और यहाँ पे मेरा जो है पानी गर्म हो जाएगा तो उसको मैं सिप सिप करके मुझे पीना है एक साथ बिल्कुल भी नहीं पीना है तो इतना गर्म मैंने कर लिया जितना कि मैं उसको पी लूँ और इसको मैं करीबन दस से पंद्रह मिनट मुझे लग जाएगी इसको पीने के पीने के बाद मैं भी आपसे मिलती हूँ क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है घर में मैं नहाँगी बाद में पहले सारा काम ख़त्म करूँगी तो भाई यहाँ पे मैं ले आई हूँ काना को उठा के तैयार करके क्योंकि काना को जाना है स्कूल उसको मुझे स्कूल भेजना है और आज मैंने खुद से सारी डस्टिंग करी है क्योंकि मासी अच्छे से डस्टिंग मतलब नहीं हो पाती है तो थोड़ा बहुत रह जाता है तो इसलिए पहले मैंने डस्टिंग कर ली है उसके बाद मासी आके अपना बाकी का, का काम कर तो यहाँ पे मैंने काना को कर दिया रेडी उसको स्कूल छोड़ के आना है और उसके बाद मैं नहाऊंगी तब मैं फिर से किचन में जाऊंगी तो अभी मैं फ़िलहाल काना को छोड़ के आती हूँ तो भाई मैंने आके अपनी किचन विचन सारी साफ़ कर ली थी और आज सुबह से ही मुझे जो है एक नया काम मिल गया नया काम के जैसे कि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो सबके घर में गाजर का हलवा बनता ही है तो आज भाई मेरे घर में भी गाजर का हलवा बनेगा क्योंकि सब लोग बोल रहे थे गाजर का हलवा बनाओ तो घर पे कोई नहीं है ना विनीत है ना पलक से प्लस स्कूल गया बिनित अपना ड्यूटी गए हैं काना स्कूल गया है तो मेरे पास टाइम था तो इसलिए मैंने सोचा कि और कुछ काम नहीं तो आज सुबह सुबह मैं पहले गाजर का हलवा बना लेती हूँ बाकी का काम बाद में करूँगी तो गाइस गाजर का हलवा जो है मैं बहुत अलग तरीके से बनाती हूँ तो आ, जैसे मैं बनाती हूँ आप ऐसे अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी बनाइएगा क्योंकि जैसे मैं बनाती हूँ उसमें बहुत कम टाइम लगता है जल्द जल्दी मतलब हलवा बन जाता है क्योंकि हलवे में करीबन दो से ढाई घंटे लगते हैं पर जो मैं बनाती हूँ वो आधे घंटे में फ़टाफट हलवा मेरा कंप्लीट हो जाता तो यहाँ पे मैंने गाजर छील ली थी और जो मेरी गाजर थी वो मैंने डेढ़ किलो ली थी पर छिकल विकल निकलने के बाद एक एक सवा किलो जैसी रह गई थी तो यहाँ पे मैं अपना जो है कद्दूकस मेरे पास इसी तरह का है तो मैं इसमें अपनी गाजर जो है वो सारी घिस लूँगी और मतलब इसमें अच्छे से घिस जाती हैं ना ज़्यादा मोटी ना बारीक पर ध्यान रखना हाथ भी कट जाता है भाई तो मैं यहाँ पे सारी गाजर जो है वो घिस के भी आपको दिखाऊंगी तो देखो मेरी सारी गाजर जो थी मैंने सारी घिस ली थी और मेरा जो गाजर बनाने का तरीका है वो बहुत अलग है आप देखते रहिएगा क्योंकि जैसे मैं बनाती हूँ ऐसे आप बनाओगे तो आप बार बार बनाओगे क्योंकि ऐसे में टाइम बहुत कम लगता है भाई तो यहाँ पे जो गाजर का हलवा मैं वो कढ़ाई में ना बना के कुकर में बना रही हूँ पहली बार क्योंकि सब लोग कढ़ाई में गाजर का हलवा बनाते हैं पर मैं बनाऊंगी कुकर में और मेरा हाथ देखो सच में कट गया मतलब कद्दू का जो था हुए कट गया और यहाँ पे जो मेरी गाजर थी मैं उनका सारा पानी निकाल लूँगी ऐसे ही कुछ लोग क्या है ऐसे ही गाजर चढ़ा देते हैं पर मैं हमेशा जो गाजर में पानी होता है वो निकाल देती हूँ क्योंकि तो इससे भी टाइम कम लगता है जितना पानी रहेगा तो उसको जलाने में ज़्यादा टाइम लगेगा और गैस भी लगेगी तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है सारी गाजरों का पानी जो है वो निकाल दूँगी तो गाइज मैंने सारी गाजर का जो है वो जूस निकाल दिया है पानी जितना था निकाल दिया था अब मैं इसको फेंकूंगी नहीं क्योंकि ये जो गाजर का जो जूस निकला है वो हम लोग पी लेंगे और मैंने सारी गाजर जो है अपने कुकर में कर ली है तो गायज अगर आपको मेरा ये हलवा बनाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा तो यहाँ पे मैंने अपने गिलास में जो है जूस छान लिया था तो करीबन डेढ़ गिलास जैसा मेरा निकला था तो ये तो हम लोग पीने ही वाले हैं और अभी जो मैंने गाजर कुकर में डाली है तो इसमें क्या है मुझे चीनी डालने के बाद मुझे सीटी लगानी है कम से कम चार सीटी आप इसमें लगाइएगा चार सीटी में जो आपकी गाजर, तो गाजर गल गाजर ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपके जो गाजर वो जलेंगी नहीं क्योंकि गाजर और चीनी जो है वो दोनों पानी छोड़ेंगी तो मैं सीटी लगाने के बाद आपको फिर मिलूंगी तो यहाँ पे मैंने मीडियम गैस पे जो अपना कुकर रख दिया है फिर मैं आती हूँ बाद में और इतना मैं कर रही हूँ अपना जूस एंजॉय तो तो इसमें कम से कम मैं चार सीटी इसको कुकर में लगवाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ तो गाइज यहाँ पे मैं जो थी सीटी लगाने के बाद गैस निकल गई थी और अभी मैं आपको दिखाऊँ मेरी जो गाजर वो अच्छे से पक गई हैं और अगर इसमें आपके लगता है कि आपकी गाजर में पानी है तो आप इसको दोबारा खुला ही रख के कम से कम दस दस एक मिनट इसको आप पका लीजिएगा तो थोड़ा सा लग रहा था कि पानी है तो मैंने रख दिया और यहाँ पे मैंने लिए ड्राई फ्रूट बादाम किशमिश और काजू लिए हैं तो मैं इसमें थोड़े डाल दूँगी थोड़े ऊपर से डालने के लिए मैं रोक दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी यहाँ पे गाई मैंने दूध बिल्कुल भी नहीं डाला था क्योंकि जो मैंने दूध डाला था उसका मैंने निकाल लिया था खोआ क्योंकि अगर गाजर में दूध डालती तो बहुत टाइम लगता है इसलिए मुझे कम टाइम में ही ये हलवा बनाना था तो मैंने दूसरी साइड पे जो ना जो दूध था उसका मैंने घर में ही खोआ निकाल लिया था और खाना बार बार आके कर रहा परेशान तो आप मेरा हलवा देखो बहुत यम्मी बना था गाई देखो मतलब ज़्यादा भी टाइम नहीं लगा और कम टाइम में बन गया और ये मैं ले जा रही हूँ भगवान जी के लिए भोग लगाने के लिए तो गाई इसी तरह का और नेक्स्ट वीडियो लेके मैं आपसे मिलूंगी अगर आपको ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए मेरे गाजर का हलवा बहुत अच्छा बना था बहुत यम्मी था तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय स्टे सेफ स्टे हेल्दी इन्जॉय कीजिएगा हलवा